गाइस GICB वर्सेस SCL का जो T10 मैच है, सेंट लुसिया T10, उस मैच में मेरा चार डिफरेंशियल पिक नथन लियो, जो दोस्तों लास्ट ईयर अभी जिस टीम से खेलेगा दोस्तों उसके ओपोनेंट टीम से दोस्तों इन्होंने लास्ट ईयर ओपन किया था, ठीक है। अभी GICB के लिए खेलेंगे, SCL के लिए ये ओपन करते थे लास्ट ईयर। तारिक एडवर्ड, इसके बारे में बहुत आर्टिकल मैंने पढ़ा था, बहुत साल से मैं पढ़ रहा हूँ इवन, प्लस इन्होंने रिसेंटली अंडर-19 खेल के गया वेस्ट इंडीज़ के लिए। ये बॉलर है और ये बैटिंग करना भी जानता है, थोड़ा सा स्लो क्रिकेट खेलता है, प्रॉब्लम है इनका। किल पॉल दोस्तों एक अच्छा बॉलर है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है इस मैच में, और BCS, ये चार प्लेयर के सिलेक्शंस आपको शायद 25% से भी कम दिखेगा, स्पेशली इन तीन का, ठीक है। तो आपको इनको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, डेफिनेटली इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स वगैरह आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पूरा वीडियो देखोगे तो आई थिंक आपके लिए एक बहुत तगड़ा मैच जाएगा, तो ध्यान से वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ सकते हो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का एडेड है, उसी से टेलीग्राम जुड़ना है। एंड दोस्तों अभी मेरा टारगेट है 100K फैंटेसी दुनिया फैमिली यूट्यूब चैनल में 100K सब्सक्राइबर बने, इसके लिए आप जरूर हेल्प करना। और इसके लिए आपके ऊपर दोस्तों एक टारगेट भी मैंने रखा, आप 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स अगर इस वीडियो को करते हो, बहुत सारा प्यार करते हो, तो डेफिनेटली इस मैच का फाइनल कवरेज और डेमो टीम मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे दोस्तों, तो जरूर टेलीग्राम भी जुड़ना है, लाइक कमेंट शेयर भी करना है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन प्रॉपर एनालिसिस सेक्शन में। गाइस ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम 12 बजे। पिच स्टेट्स डेरेन सेमी नेशनल स्टेडियम पे होगा पूरा टूर्नामेंट, सेम ग्राउंड पे है, लास्ट ईयर इसी वेन्यू में हुआ था, जो लास्ट ईयर का अगर हम लोग बात करेंगे तो 90-95 ऐसा था एवरेज स्कोर। करेंट ईयर में जो रिसेंटली एक T10 हुआ टोबागो T10, उसमें भी दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा रन बना था। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाउंड्री साइज को छोटा करेगा और यहाँ पे हाई स्कोरिंग वेन्यू बनाएगा समहाउ, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हाई स्कोर नहीं बनता है ना तो जो एट्रैक्शन है ना वो रिड्यूस होता है T10 में, ये एक रीज़न है मुझे लगता है, इसलिए बाउंड्री साइज को छोटा करके हाई स्कोरिंग बनाएगा। फिलहाल दोस्तों टाइट करके रखो, पहला मैच, सेकेंड ही मैच है, फर्स्ट मैच से थोड़ा बहुत आइडिया भी चलेगा वेन्यू कैसा है, ग्राउंड साइज कैसा है। अगर आप सिर्फ विकेट का बात करोगे तो विकेट थोड़ा सा स्लो होता है वेस्ट इंडीज़ में, आपको पता है अभी ज़्यादातर विकेट स्लो है वेस्ट इंडीज़ में, बट बाउंड्री साइज बहुत छोटा किया जा सकता है। GICB से एनालिसिस करते हैं हम लोग, फाइनल कवरेज कहाँ पे आएगा टेलीग्राम पे, उसके पहले लाइक टारगेट पूरा करके दोस्तों टेलीग्राम जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। नोएल लियो ओपन करेंगे, मैं GICB के बारे में बाद में एनालिसिस करता हूँ क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। इनका ओपोनेंट SCL ना मुझे स्ट्रांग लग रहा है इस मैच में, इनसे ओपनिंग कर सकता है कौन, जॉनसन चार्ल्स। देखो ओपन कौन करेगा, जॉनसन चार्ल्स पक्का करेगा, ये कैलेंडर और जेवियर गैब्रियल में से कोई एक ओपन करेगा और कोई एक वन डाउन खेलेगा। लास्ट ईयर गैब्रियल वन डाउन खेल रहा था और कॉलिनस कैलेंडर उसके आगे वाला चार खेला, जहाँ पे दोस्तों इसने ना वन डाउन से टू डाउन बैटिंग किया, ये आइडियल ओपनर नहीं है, ठीक है। इनके पास जो आइडियल ओपनर है ना नोएल लियो, वो अभी ओपोनेंट के लिए खेल रहा है। मोनरोज आएंगे, वेट क्लोविस आएगा दोस्तों, यहाँ पे किएन्सली पॉल, वेंडल इंग्लिस, चैंडलर, ऐसा कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। ये मैं लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस जितने भी सीजन था उसको मिला के दोस्तों जो मुझे लग रहा है बेस्ट प्लेइंग 11, बेस्ट बैटिंग पोजिशन उसके साथ मैंने कवर किया। वेंट क्लोविस को टीम ऊपर अगर भेजेंगे तो दोस्तों हार्ड हिटिंग के लिए भेज सकता है टॉप ऑर्डर में, उस कंडीशन में कॉलिनस कैलेंडर आपको टू डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगा, कीप इट इन माइंड। कैलेंडर आइडियली ओपन आना चाहिए, वन डाउन और टू डाउन भी खेल लेता है, जेन्युइन पोजीशन इनका वन डाउन से टू डाउन है, बट इस टीम के पास ओपनर नहीं है। लास्ट ईयर 6 मैच 29 के एवरेज 114 रन 4 ओवर 2 विकेट, मस्ट बी प्लेयर होना चाहिए दोस्तों, और बैट बॉल दोनों से आपको वैल्यू देगा कॉलिनस कैलेंडर। गाइस ये लास्ट ईयर एक्चुअली इनका लास्ट जो सीजन था वो वाला यहाँ पे मेंशन किया मैंने, 6 मैच में इन्होंने अपना लास्ट सीजन में 6 मैच में 29 के एवरेज 114 रन बनाया 4 ओवर 2 विकेट, ठीक है। ये लास्ट ईयर नहीं है, इनका लास्ट सीजन है, लास्ट ईयर ये वाला बंदा खेला था और इसी टीम से खेला था, जॉनसन चार्ल्स, हम सबको पता है क्वालिटी वाइज ये T20 में रिसेंटली स्टैट्स है, 2 मैच 80 रन 40 एवरेज, जो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी खेल चुका है। पर दोस्तों ये ना लास्ट ईयर एक ओवर बॉलिंग भी किया था, होता है दोस्तों, जैसे कि अंद्रे फ्लेचर भी हो गया ना, वो भी जब T10 वगैरह खेलता है बॉलिंग डाल जाता है, तो ये भी बॉलिंग डाल जाता है एक आधा ओवर, ठीक है। जेवियर गैब्रियल, ये दोस्तों अच्छा खासा प्लेयर रहेंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर 8 मैच में 197 रन, यस इन्होंने लास्ट सीजन खेला था इसी टीम के लिए, और लास्ट ईयर और लास्ट सीजन ही बोलो, ठीक है, 2023 में खेला था,
बट कैलेंडर नहीं खेला था, कीप इट इन माइंड। 8 मैच 39 के एवरेज से 197 रन, 14 ओवर 4 विकेट। एक जरूरी प्लेयर है रहेगा दोस्तों, बहुत ही सेफ एंड साउंड कैप्टन वाइस कैप्टन है, बट मुझे लगता है कि ये वन डाउन से टू डाउन खेलेगा, ठीक है, ये भी बात सही है। बॉलिंग बैटिंग दोनों से वैल्यू दे सकता है। फॉर्म देखो, 16-0 विकेट, 17-1, 65-1, 59-0, 12-1 विकेट। डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए एक जरूरी चॉइस रहेगा ये जो बंदा है ना, जेवियर गैब्रियल। लास्ट ईयर दोस्तों बहुत तगड़ा था इनका, ठीक है, देखो बैट बॉल दोनों से। ये कैप्टन और वाइस कैप्टन वाला पिक है जेवियर गैब्रियल। मालकम मनरोस, इन्होंने मिडल ऑर्डर में बैटिंग करना है। 8 मैच लास्ट ईयर, 32 के एवरेज से 190 रन, 1 ओवर 1 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म ऐसा कुछ है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, मनरोस अगर देखो अगर इस बंदे ने मतलब यहाँ से अगर वेट क्लोविस को टीम ओपन भेज दिया, उस कंडीशन में ना मोनरोस का बैटिंग ऑर्डर नीचे जाएगा, कीप इट इन माइंड, तब इनका ना इंपॉर्टेंस रिड्यूस होगा। तो अगर आप वेट क्लोविस को टीम में रख रहे हो तो मोनरोस को रोटेट कर सकते हो, एक बहुत रिस्की मैंने आपको ऑप्शन बताया, वाइल चेजिंग जरूर कर सकते हो। किंग्सली पॉल, ये बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है, और मैंने ऊपर मेंशन भी किया था शुरू में कि ये मेरा डिफेंशियल रहेगा। लास्ट ईयर इन्होंने 7 मैच 49 रन, 7 ओवर 7 विकेट। मुझे लगता है कि अगर ये 2 ओवर पूरा कंप्लीट करेगा, क्योंकि देखो 7 मैच में 7 ओवर डाला, तो ऑन एन एवरेज 1 ओवर होता है पर मैच, अगर 2 ओवर डालने लगा तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा डिफेंशियल बनेंगे। 0-3 विकेट, 18-2 विकेट, 31-2 विकेट, क्या ही फॉर्म था दोस्तों, बहुत तगड़ा ऑप्शन था ये आपके लिए किंग्सली पॉल। वेंडल इंग्लिस, 8 मैच लास्ट ईयर, 4 ओवर 3 विकेट, ओवर कंप्लीट नहीं करते, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, आउट ऑफ 5 इनिंग्स 4 बार बॉलिंग कराया बट 1-1 ओवर करके। जाइलन चैंडलर, 7 मैच में कुछ खास किया नहीं है, 40 रन बनाया। बेल्टन सियर्स, ये मेरे डिफेंशियल रहेंगे, 2021 वाला सीजन इसने खेला था, 2 मैच 4 ओवर में 1 विकेट निकाला, बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेंगे, डिफेंशियल बन सकते हैं, 2 मैच में 4 ओवर कंप्लीट कराया था, मस्ट पिक नहीं है बट डिफेंशियल है। डेनियल बैप्टिस्टे, 6 मैच 12 ओवर 4 विकेट, हाईली सिलेक्टेड भी है, तो डेफिनेटली हम लोग मस्ट पिक बनाएंगे। और देखो 2021 वाला सीजन खेला, जहाँ पे इसने 6 मैच में 12 ओवर डाला, कोई T10 में पर मैच 2 ओवर मैक्सिमम डाल सकता है, इसने 6 मैच में 12 डाला, मतलब पर मैच 2 ओवर कंप्लीट कराया। थियो एडवर्ड, 2022 में 4 मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला, तो शायद मेरा फिलहाल मस्ट पिक प्लेयर नहीं रहेगा। अदर्स प्लेयर अगर देखते हो दोस्तों, संजय फ्रांसिस लास्ट ईयर मिला नहीं, जैकी लुइस ने 5 मैच में 40 रन बनाया, डोमेस्टिक में कुछ लिमिटेड ओवर के क्रिकेट खेला है दोस्तों। कोडी फॉन्टलाइन अगर देखते हो, फॉन्टिनिल 2 मैच 3 रन, कुछ खास किया नहीं है। शॉर्टरेज थियोडोर का फिलहाल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होता है तो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। आता हूँ इनका ओपनिंग GICB के तरफ, उससे पहले लाइक नहीं किया जरूर से लाइक, कमेंट भी करो दोस्तों, सिर्फ लाइक नहीं कमेंट भी करो दोस्तों, साथ शेयर भी करो और पूरा वीडियो जरूर देखना। नोएल ली ओपन करेंगे जीद एंड आर्थर के साथ, जैक गुडमैन, रियान गुडमैन, मॉर्गन शार्लेट, तारिक एडवर्ड कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। अब ये जो तारिक एडवर्ड है ना, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं पे भी खेल सकता है, ठीक है, टीम इसको ऊपर भी भेज सकता है। मैंने इनका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड देखा, तो मैंने जो एनालिसिस किया था ना, ये मैं बहुत साल से इनका आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, अंडर 19 भी वेस्ट इंडीज़ के लिए खेल के गया, अच्छा क्रिकेट खेला, ये थोड़ा सा स्लो क्रिकेट खेलता है, हो सकता है टीम इसको ओपन कर दे हीटिंग के लिए, नहीं पता क्या करेंगे, बट ये बॉलिंग जरूर करेगा, मस्ट पिक है। नोएल लियो, 8 मैच 123 रन लास्ट ईयर ओपन कर रहे थे, लास्ट 5 इनिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लॉप, बट उससे पहले इन्होंने रन भी बनाया, इसीलिए लास्ट ईयर 8 मैच में 123 रन बनाया। जिदेन आर्थर, 4 मैच में 56 रन, 28 के एवरेज से, 2022 वाला सीजन खेला था, 1 मैच में ओपन आते 41 और 1 मैच में 15, बाकी 2 मैच में इसको बैटिंग ही नहीं मिला क्योंकि ये नीचे खेल रहा था उससे पहले। जैक गुडमैन, लेफ्ट हैंडेड बैट ऑफ स्पिन, 2 मैच में 22 रन बनाया 2022 में, 5 और 17। रियान गुडमैन 2 मैच में 20, इन दोनों के जगह ना यहाँ पे शॉलेट का प्रमोशन हो सकता है एनी कंडीशन। 7 मैच में 57 रन था इसका, 11 ओवर 5 विकेट, बहुत जरूरी प्लेयर है, बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा। तारिक एडवर्ड, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में 5 मैच में 29 ही रन बनाया बट 48 ओवर में 4 विकेट निकाला, अच्छा डिफेंशियल प्लेयर बन सकते हैं तारिक एडवर्ड। जेंडियल सीरिल, T10 में 2022, 4 मैच 6 ओवर में 2 विकेट था इनका। ट्रेंट बेल्फोन अगर देखते हो, डोमेस्टिक में कुछ T20 19-20 में 2 मैच में 8 ओवर 4 विकेट और 18-19 में 6 मैच 22 ओवर में 9 विकेट निकाला, ग्रैंड लीग चॉइस बन सकता है आपके लिए, प्रॉपर करंट स्टैट्स इनका अवेलेबल नहीं है। टायरेल चिकोर दोस्तों देखोगे तो चिको ने 2 मैच में 3 ओवर विकेट लेस 2021 वाला T10 सीजन और 2020 वाला T10 में अच्छा खेला, 9 मैच 16 ओवर में 9 विकेट, अभी हाईली सिलेक्टेड है, सेफ है तो रख सकते हो, पहला मैच है, इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से केयरफुली करना सही होगा। कई और प्लेयर्स इस टीम का जिनके रिकॉर्ड ना प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ये भी एक रीज़न है, मैं प्रेफर करूंगा कि इस मैच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करो, स्पेशली अगर आपको आप दिख रहे हो कि आपके अननोन प्लेयर्स ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, जिनके स्टैट्स नहीं है वो ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिस्की होगा। स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास अगर कुछ भी स्टैट्स आ जाएगा तो मैं वो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है। स्पेशली मैं ना अभी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से,
बट ये जो प्लेयर्स है ना, फानूस या फिर डर्विन फोर्ड, इसिया जोन्स, इनके ना मैं ट्राई करूंगा कि डोमेस्टिक में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूं। अभी भी मेरे पास टाइम है और अगर ये प्लेइंग 11 में आ जाता है तो इनके स्टैट्स मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अभी IPL भी हमें कवर करना है, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसके बाद टाइम रहेगा। और आफ्टर टॉस, क्योंकि देखो ये जो टॉस होगा ना, ये टॉस ए टॉस नहीं, ये जो लाइनअप्स आता है ना, ये एक घंटा पहले आता है, तो उसके बाद बहुत टाइम रहता है। उसके बाद भी हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो जरूर टेलीग्राम जुड़ के रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है फाइनल कवरेज के लिए एंड अदर्स मैचेस के अपडेट्स के लिए। चलते हैं दोस्तों ड्रीम 11 टीम में। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम 11 का टीम रहेगा ना, जॉनसन चार्ल्स क्योंकि बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग से ओपन करेगा, तो मैंने कैप्टन बना दिया। नोएल लियो हमारे पास है, मॉनरोस है हमारे पास, एम शॉलेट, वाइस कैप्टन कैलेंडर को बनाया जो बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है। आपको अगर प्योर ऑलराउंडर चाहिए तो जेवियर गैब्रियल और कैलेंडर को कैप्टनसी बना सकते हो। किल पॉल मेरा डिफेंशियल प्लेयर, तारिक एडवर्ड मेरा डिफेंशियल प्लेयर, टी चिकॉट है हमारे पास, बप्तीस्ते और BCS है। फिलहाल के लिए ये रहेगा मेरा टीम, बट डेफिनेटली आफ्टर टॉस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई न्यू प्लेयर अननोन रिकॉर्ड वाला प्लेयर खेला तो मैं उनका स्टैट्स ट्राई करूंगा, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूं। फिलहाल के लिए ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैचेस के कवरेज अपडेट के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।